धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है और वो पहले जैसा नहीं रहता। रूठे सुजन मनाए, जो रूठे सो बाहर। रूठे सुजन मनाए, जो रूठे सो बार। रही मन फिरे फिरे पोई, टूटे मुक्ता हार। रही मन टूटे मुक्ता हार। अर्थात प्रिय सो बार भी रूठे तो उस रूठे हुए प्रिय को मना लेना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए और अपने प्रिय को मना लेना चाहिए। खीरा सिर ते काट के मलियत लोहन लगाए। खीरा सिर ते काट के मलियत लोहन लगाए। रही मन करुए मुखन को, चाहिए यही सजाए। रही मन चाहिए यही सजाए। अर्थात खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। प्रभु कहते हैं कि कड़वे वचन बोलने वालों के लिए यही सबसे उचित सजा है। रही मन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन हो। रही मन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन हो। हित अनहित या जगत में जान परत सब को। अर्थात यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितेशी है और कौन नहीं। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जा। अर्थात उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है।